विराट कोहली के शतक के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के ट्वीट ने मचाया बवाल। फैंस बोले गौतम गंभीर बुरा मान जाएंगे। विराट कोहली ने आखिरकार 1490 दिन बाद आईपीएल में सेंचुरी लगा दी है। उन्होंने आईपीएल में इससे पहले अपना आखिरी शतक 2019 के आईपीएल में लगाया था। कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 63 गेंदों में 100 रनों की तूफानी पारी खेली। विराट की इस शतकीय पारी के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक मजेदार ट्वीट किया, जिस पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। विराट कोहली की सेंचुरी के बाद लखनऊ ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, विराट कोहली अपने सबसे अच्छे रूप में। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल सा हो गया है। दरअसल फैंस कुछ दिन पहले गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच मैदान पर हुई बहसबाजी को नहीं भूल पा रहे हैं। उन्होंने इसका जिक्र इस ट्वीट पर रिप्लाई देकर कर दिया। फैंस ने अपने रिएक्शन में गंभीर और नबील उल हक का भी जिक्र किया है। एक फैन ने लिखा है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक दूसरे फैन ने लिखा, ट्वीट डिलीट करो, नहीं तो नवीन उल हक और गौतम गंभीर बुरा मान जाएंगे। एक अन्य फैन ने लिखा है, गौतम गंभीर से भी एक बार पूछ लीजिए। एक फैन ने लिखा है, गंभीर बुरा मान जाएगा। जी जी सर, सो रहे होंगे, इसका मतलब तभी आपने ऐसा ट्वीट किया। यह एक अन्य फैन का रिप्लाई था। दोस्तों, विराट कोहली के इस शतक के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के प्लेऑफ में जाने की संभावना बढ़ गई है। आरसीबी फिलहाल 13 मैचों में 7 जीत के साथ पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। क्वालिफाई करने के लिए उन्हें एक जीत की जरूरत होगी, साथ ही उनकी नजर दूसरी टीमों के परिणामों पर भी होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जो अनबन हुई है, क्या वो ऐसे ही जारी रहेगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।